चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। तो दिल्ली में आज हड़ताल से मुसीबत देखने को मिलेगी। जी हां, पेट्रोल पंप संचालकों की आज हड़ताल है। वेट को लेकर हड़ताल पर है पंप संचालक और साथ ही ओला और उबर के चालक भी हड़ताल पर आपको नजर आएंगे। कई मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। तो दिल्ली में आज हड़ताल से मुसीबत। तो डीटीसी के अस्थायी कर्मचारी भी आज हड़ताल पर दिखेंगे आपको। ऑटो चालकों की भी दिल्ली में हड़ताल देखने को मिल रही है। कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर यह हड़ताल की जा रही है। यूं कह सकते हैं कि आज हड़ताल पर दिल्ली है। उबर ओला कैब ड्राइवर भी हड़ताल पर है, साथ ही पेट्रोल पंप कर्मचारी जो संचालक है वो भी हड़ताल पर है। आज वेट को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि यूपी में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम दामों में पेट्रोल मिल रहा है, जिससे उनके कारोबार का, उनके काम में नुकसान हो रहा है। यही कारण था, नहीं मैं मॉर्निंग में रोज पेट्रोल भरवाता हूँ, ये पेट्रोल वाले भी जानते हैं इस बात को, इसी वजह से मैं भरवा के जा रहा हूँ। तो वैसे इंपैक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से? इंस्पेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में जितनी महंगाई बढ़ रही है इस हिसाब से तो इंस्पेक्ट पड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे को तो इंस्पेक्ट पड़ रहा है, मैं एक छोटी चाय की दुकान चलाता हूँ आपको बता दूँ, और उस हिसाब से महंगाई के हिसाब से। तो साफ तौर पर कह रहा है कि लगातार जो है पेट्रोल डीजल में इजाफा देखने को मिल रहा है, वही कहीं ना कहीं यूपी में पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी सी कमी है, राहत है थोड़ी सी, जिस वजह से आम जनता रुक कर रही है। वही सब चीजों को लेकर जो है पेट्रोल संचालकों का कहना है कि उनका काफी नुकसान हो रहा है और जिसके चलते आज वो हड़ताल पर है। देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज 450 पेट्रोल पंप दिल्ली में बंद हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बैरिगेटिंग कर रखी है, पूरा पेट्रोल पंप जो है बंद कर रखा है, और गाड़ियों पे क्या जो है पोस्टर भी यहां पर लगा रखे हैं। और बता दें कि इस पर क्या लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट इंक्लोजर ऑल द पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली शेल्स रिमेन क्लोज फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टू 22 अक्टूबर टिल 6 AM टू 23 अक्टूबर। ये उनकी जो डिमांड है रिड्यूशन इन वेट को लेकर है, जहां पर आज 450 पेट्रोल पंप दिल्ली में बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप में उन्हें जुड़े CNG पंप 22 सितंबर की सुबह से लेकर 23 सितंबर सुबह तक बंद रहेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी विरोध भी हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने तेल के दामों पर 2.5 रुपये कटौती भी की थी और राज्य सरकार को भी दाम में कमी लाने को कहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार के साथ देते हुए कई राज्यों ने तेलों के दाम में कमी भी करी थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने तेल के दामों से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि जो केंद्र सरकार ने 10 रुपये बढ़ाए थे पहले वो कम करें, उसके बाद हम जो है कम करेंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली डीजल और पेट्रोल की वैट को कम करने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में दिल्ली पेट्रोल डीलर्स ने विरोध भी किया और बुलाया भी। इस विरोध के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में 400 पेट्रोल पंप 22 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 23 अक्टूबर 5 बजे तक जो है बंद रहेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी मांगे पूरी हो पाती हैं या नहीं, या इनका जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ मोहित शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।
तो बिल्कुल आज दिल्ली की जो रफ्तार है वो थोड़ी थम सी गई है। पेट्रोल संचालक जो है हड़ताल पर है, आज उनकी ये हड़ताल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उबर ओला कैब ड्राइवर जो है वो भी हड़ताल कर रहे हैं। तो तमाम जो तरीके का हड़ताल है आज दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। और वजह जिसकी अगर हम बात करें तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने थोड़ी सी राहत दी थी, लेकिन अगर दिल्ली से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी और राहत मिलती है पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए, जिसके लिए आम जनता भी वहीं का रुख अख्तियार करती है। जिसके बाद अब साफ तौर पर पेट्रोल डीलर संचालकों का कहना है कि उनको काफी नुकसान हो रहा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो वेट को लेकर यह हड़ताल की जा रही है, हालांकि देखना लाजमी है कि क्या यह हड़ताल आगे भी बरकरार रहती है, क्या दिल्ली की रफ्तार जो है इसी तरीके से थमती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली में आज हड़ताल से मुसीबत है, तो पेट्रोल पंप संचालकों की यह हड़ताल देखने को मिल रही है दिल्ली में। वेट को लेकर हड़ताल पर पंप संचालक दिखाई देंगे आपको। साथ ही ओला और उबर की अगर बात की जाए तो आपको आज मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ओला और उबर भी हड़ताल पर है। तो हड़ताल पर आज दिल्ली है ये कहना गलत नहीं होगा। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और वही आज बंद का यानी कि हड़ताल का ऐलान किया गया था और आज हड़ताल है। ओला और उबर कैब की बात की जाए तो वो भी हड़ताल पर नजर आएंगे आज आपको। फिलहाल देखना लाजमी है कि क्या यह हड़ताल जो है वो बरकरार रहेगी, जिस तरीके से वेट की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर है, वहीं ओला उबर जो राहत देती थी वो भी उनकी भी हड़ताल आज देखने को मिलेगी। तो डीटीसी के आज कर्मचारी भी हड़ताल पर है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो थम सी गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी, आज दिल्ली हड़ताल पर है, लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जो एक तरीके से दिल्ली में दो तीन हड़ताल है और उसका असर सुबह से ही दिल्ली वालों की जिंदगी पर पड़ना शुरू हो गया। जो लोग सुबह सुबह अपने दफ्तर पर निकलते हैं उनको इस मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में हो रही है, क्योंकि जो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है वो आज हड़ताल पर है। हालांकि जो डीटीसी के परमानेंट स्टाफ है वो जरूर आज अपनी ड्यूटी पर आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को बस के लिए लंबा इंतजार बस स्टॉप पर करना पड़ रहा है, और जिन लोगों को जल्दी है दफ्तर जाने के लिए वो दूसरे रास्ते खोजने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ भी लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो ओला उबर ऐप आधारित टैक्सी के ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी आज हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। तो उनकी वजह से भी जो ऐप आधारित टैक्सी सेवा है वो प्रभावित तो हो रही है, और लोगों को आसानी से ना तो टैक्सी मिल पा रही है और ना ही बस मिल पा रही है, और ऐसे में बहुत सारे लोग अभी भी जो है अपने ऑफिस से दूर है, अभी भी रास्ते में फंसे हुए, अभी भी वो अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन दिल्ली वालों के लिए मुसीबतों भरा दिन साबित होता नजर आ रहा है। जी कुलदीप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो वही जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओला उबर जो है वो भी हड़ताल पर है। साथ ही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पूजा राठौर हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, जिस तरीके से दिल्ली वालों को एक राहत मिलती है ओला और उबर, हम तमाम जो है कोशिशों के बाद भी कहीं पर भी मौजूद हो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज दिल्ली थम सी गई इसलिए भी है क्योंकि डीटीसी की हड़ताल देखने को मिल रही है कर्मचारी की। वहीं पेट्रोल पंप की बात करें तो लोग अपनी गाड़ियों से जाने से भी कतराएंगे पेट्रोल की जो हड़ताल है जिसको लेकर, और वहीं ओला और उबर जो एक सहारा होता था वो भी आज हड़ताल। देखिए बिल्कुल, यहाँ अगर पब्लिक कन्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो डीटीसी है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है,
तो यहाँ पर अब जब डीटीसी ये जो है जब डीटीसी सड़कों पर नहीं दिखेगी तो ऐसे में लोगों के पास एक और ऑप्शन आ गया था कि चलिए अगर हम बसों में धक्के नहीं खाना चाहते हैं या अगर बसें अवेलेबल नहीं है तो हम ओला उबर कैब करके निकल जाएं, लेकिन आज वो भी ऑप्शन बंद हो गया है क्योंकि आज एक साथ जो है चौतरफा मार यहाँ दिल्ली की आम जनता पर पड़ रही है। अपनी व्हीकल का हम यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि अगर उसमें तेल नहीं होगा तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, और क्यों पहुंच इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि पेट्रोल पंप बंद है, तो ऐसे में तेल गाड़ी में नहीं डलेगा तो अपने गंतव्य तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। यहाँ अगर फिर हम सोचते हैं कि चलिए ओला उबर कैब कर ली जाए जो कि आसानी से हमें एसी में बैठाकर हमारे जगह से हमें हमारे डोर स्टेप पर ही पहुंचकर हमें वहां से उठाकर हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगी, तो आज वो भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओला उबर कैब ड्राइवर्स भी हैं वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि करीब जो ओला उबर के 15 से ज्यादा ये टैक्सी और ऑटो संगठन हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने राजघाट पर कई दिनों तक प्रदर्शन किया था जिसमें इनकी पूरी जो मांग थी वो ये थी जो इनका न्यूनतम किराया है उसको बढ़ाया जाए। जो प्राइवेट कंपनियां हैं ओला उबर के ड्राइवर, उनकी ये मांग थी कि यहाँ पर एक न्यूनतम किराया जो है उसको डिसाइड किया जाए ताकि जो प्राइवेट कंपनियों की मनमानी ना चले। साथ ही अब यहाँ पर जिस तरह से इनकी बात नहीं मानी गई है, राजघाट पर कई दिनों तक इन्होंने प्रदर्शन किया है लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं रहेंगी, जिसके चलते अब इन्होंने चक्का जाम करने की जो है जी जी पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है इस हड़ताल पर लोगों का। दिल्ली की जनता के लिए आज का दिन परेशानियों भरा रहेगा जिसकी शुरुआत आज सुबह से हो गई है क्योंकि पेट्रोल पंप दिल्ली में सभी बंद हैं। करीब 400 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो आज पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हर पेट्रोल पंप पर इस वक्त आपको वहां के कर्मचारी जरूर दिखेंगे लेकिन कोई भी वहां पर गाड़ी कोई लोग वहां पर जाते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप मालिकों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि दिल्ली सरकार इस मामले में कुछ कदम नहीं उठा रही है, वैट में कटौती नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो दिल्ली के लोग हैं वो आसपास यानी एनसीआर में जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है, उन्हें घाटा होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के बाहर इस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है क्योंकि जो भी यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहा है उसे यहाँ पेट्रोल पंप खाली ही दिख रहे हैं। आप भी यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे? पेट्रोल भरवाने आए हैं, अब क्या करें, परेशानी तो हो रही है, पूरी दिल्ली में हड़ताल कर दी। तो आपको जानकारी नहीं थी कि आज हड़ताल है? हमें कहाँ से होगी, हम न्यूज वगैरह तो इतनी देखते नहीं। अच्छा, ऑफिस वाले बंदे रात में ड्यूटी करते तो टंकी बिल्कुल खाली है? टंकी बिल्कुल खाली है, धक्का लगा के आ रहा हूँ। तो अब कैसे मैनेज करेंगे आज? अब बुलाए फ्रेंड आ रहा है पेट्रोल लेके, अभी ऑफिस के लिए लेट हो चुके हैं जी, ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। ओके, तो बॉस की डांट खाने के लिए तैयार? हाँ, बॉस की डांट खाने के लिए तैयार है। तो देखिए ऐसी परेशानी कुछ लोगों के सामने आ रही है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? पेट्रोल के लिए मैडम, पेट्रोल के लिए खड़े हैं। अच्छा, हाँ पेट्रोल है नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं था कि पेट्रोल बंद है। हाँ। तीन चार जगह घूम लिए पेट्रोल बंद दिखाई दिए तो अब क्या करेंगे? अब तो एनसीआर में जी यूपी में भागना पड़ेगा, अब क्या क्या जाएगा? है इतना तेल टंकी में? अजी होता तो फिर यहाँ से होते हैं। अच्छा, ये तो बताइए अब क्या करा जाए, आप ही सलाह दो कुछ। आप ही आगे जाना पड़ेगा, अब तो छुट्टी हो जाएगी काम की भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई एक शख्स नहीं है, यहाँ ज्यादातर